दूर कहीं एक जंगल में बन्नी नाम का एक चिड़िया अपनी पत्नी खूनी के साथ मिलकर बहुत ही खुशी से रहता था। उन दोनों की इकलौती बेटी जुन्नी चिड़िया से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। ऐसे माँ बाप को जुन्नी भी बहुत प्यार करती है। माँ खूनी जहाँ भी जाती थी, जुन्नी उसके पीछे पीछे ही जाती थी। एक पल के लिए भी अपनी माँ को नहीं छोड़ती थी। ऐसे सब कुछ अच्छे से चल रहे समय में एक दिन खूनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से मर जाती है। उसके बाद से बिना माँ के अपनी का ख्याल कैसे रखना है समझ में नहीं आता है बन्नी को। कितना समझाने पर भी माँ चाहिए कहकर जिद करती थी जुन्नी। पिताजी, मुझे माँ चाहिए। माँ नहीं होगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, खेलूंगी भी नहीं और ना ही कहीं जाऊंगी। ऐसी बात नहीं है जुन्नी बेटा, माँ आ जाएगी, लेकिन तुम ऐसी जिद करोगी तो नहीं होगा। अच्छे से खाकर खेलोगी तो माँ जरूर आएगी। ऐसे अपनी छोटी सी बेटी जुन्नी को बड़ी मेहनत से समझा मना कर खाना खिलाता था बन्नी। जुन्नी को माँ की बहुत जरूरत है। मैं और कब तक माँ आएगी कहकर झूठ बोलता रहूंगा। ऐसे सोचकर दुखी होता रहता है बन्नी। और ऐसे ही जुन्नी के अच्छे भविष्य के लिए वो एक काम पर चढ़ता है। उस फैक्ट्री की मालकिन का नाम कोयल है, जो एक खूबसूरत कबूतर है। बन्नी की अच्छाई देखकर फैक्ट्री के सारे काम बन्नी को ही सौंप देती है कोयल। कोयल की एक बेटी है, उसका नाम कुकू है। कुकू की परवरिश बहुत ज्यादा लाडों होने की वजह से उसमें थोड़ी सी अकड़ है, इसलिए किसी से भी तमीज से बात नहीं करती थी। बन्नी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तुम्हें अपने परिवार के साथ मेरी बेटी के जन्मदिन पर आना होगा। ठीक है कहकर बन्नी अपनी बेटी को लेकर बर्थडे पार्टी में जाता है। वहाँ पर कुकू अपनी माँ को माँ कहते हुए देखकर वही माँ है समझकर जुन्नी जाकर कोयल का गले लगा लेती है। तब तुरंत बन्नी जाकर, माफ कर दो मैडम, मेरी बेटी की माँ नहीं है, इसीलिए आपको देखकर माँ समझ बैठती होगी, आप गलत मत समझना। ऐसे सारी बात कोयल को बताता है बन्नी। वो बातें सुनकर काफी दुखी होती है कोयल और बन्नी से ऐसा कहती है, बेचारी जुन्नी, मैं उसकी तकलीफ को समझ सकती हूँ बन्नी। आज से जुन्नी को मुझे माँ कहकर ही पुकारने दो, तुम भी यही रह जाओ, मुझे तुम्हारी अच्छाई पता है। ऐसे जुन्नी को अपनी सगी बेटी की तरह रखती थी कोयल। वो सब कुकू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उस जुन्नी की वजह से मेरा जन्मदिन भी अच्छे से नहीं हुआ, और अब माँ पहले जैसी ख्याल भी नहीं रखती है मेरा। कैसे भी करके उस जुन्नी का कुछ करना पड़ेगा। ये कहते हुए एक दिन ऐसे ही घूमने के लिए जाएंगे कहते हुए जुन्नी को बाहर लेकर जाती है कुकू। ऐसे लेकर जाकर दूसरे पक्षियों के पास छोड़ दे तो वो उसे पकड़कर खत्म कर देंगे, यही कुकू की योजना थी। उसी योजना के मुताबिक लेकर जाती है कुकू। ऐसे लेकर जाकर एक पेड़ पर बिठाकर, तुम यही रहना जुन्नी, मैं जाकर तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी, लेकिन जल्दी आ जाना, मुझे अकेले बैठने में डर लगती है। ठीक है कहकर
वहाँ से चली जाती है कुकू, लेकिन लौट कर नहीं आती है। जुन्नी से पीछा छूट गया। सोचकर खुश होते हुए जा रहे कुकू कबूतर सीधे जाकर एक शिकारी के जाल में फंस जाती है और बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगती है। इतने में जुन्नी चिड़िया काफी देर होने के बावजूद भी दीदी ना आने पर उसे ढूंढते हुए आती है। तब कुकू की आवाज सुनकर वहां जाती है। अयो, ये क्या हो गया दीदी? इतनी देर क्यों लग रही है? सोच रही थी आप तो इस जाल में फंस गए हो। रुको, मैं आपकी मदद करती हूँ। ये कहते हुए जैसे तैसे मुश्किलें पड़कर जुन्नी उस जाल को तोड़ देती है। तब कुकू, मुझे माफ कर दो जुन्नी, मैं तुम्हें मुसीबत में डालना चाह रही थी, लेकिन तुमने मुझे मुश्किल में से बाहर निकाला है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा सोचा था, लेकिन अब से तुम मेरी अच्छी बहन हो, तुम्हें अच्छे से देख लूंगी। ये कहते हुए फिर से जुन्नी को सही सलामत वापस घर लेकर जाती है और बहुत प्यार से कोयल और बन्नी से भी ज्यादा अच्छा ख्याल रखती है कुकू। अपनी सौतेली बहन का ऐसे देखकर बन्नी चिड़िया और कोयल कबूतर भी बहुत खुश होते हैं।